अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त असलान जवेद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ीशान एयर सर्विसेज। तो दोस्तों, यूएई की फ़्लाइट्स ओपन हो गई हैं। पाकिस्तान से कोई भी जो भी लोग यूएई से आए हुए हैं, वो जो वापस जाना चाह रहे हैं, उनके लिए ऑनलाइन एक फॉर्म है जो फिल करके आप मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को भेजेंगे, तो जिसकी एक्सेप्टेशन हो जाएगी वो एमिरेट्स एयरवेज़ की टिकट ले कर तो यूएई वापस इंटर कर सकते हैं। तो उसको फिल करने का थोड़ा सा मेथड आपको गाइड कर देता हूँ, सिंपल। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना जो भी यूएई आइडेंटिटी कार्ड नंबर है वो डाल दें। मैं इसको ऐसे ही फॉल्स डाल रहा हूँ कुछ भी, और यहाँ पे अपना नाम डालें। ये मैं अपना नाम डालता हूँ अरफान जावेद, इंग्लिश में मैंने पुट किया है तो वो खुद ब खुद उसको अरेबिक में कन्वर्ट कर दिया उसने। यहाँ पर अपने पासपोर्ट नंबर डालना है, जो भी आपका पासपोर्ट नंबर हो ये डाल दिया, और पासवर्ड जो आपने ऑर्डनरी को सेलेक्ट करना है, कंट्री जो भी आपकी है, अगर कोई बाहर से बंदा है तो वो भी अपनी कंट्री सेलेक्ट करेगा। तो मैं इसको फिर वक्त पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ। ये पाकिस्तान हो गया। तो डेट ऑफ बर्थ, भारत डाल दें, और यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है। जो भी आपका ईमेल एड्रेस हो वो आपने यहाँ पे पुट करना है। उसी ईमेल एड्रेस आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस पे ही आपको रिप्लाई आएगा। उस ईमेल के ज़रिए ही आपको कन्फर्मेशन मिलेगी। ईमेल एड्रेस कभी भी आपने गलत नहीं करना, और यहाँ पे आपने वहाँ का अपना फ़ोन नंबर लिखना है। ये यहाँ पे आप पाकिस्तानी नंबर लिख सकती हैं, यहाँ पे आप इसको चेंज करें। वो ऊपर मोबाइल नंबर देना है, या ऊपर वाले को चेंज कर लें या नीचे को चेंज कर लें, परमानेंट किसी भी एक को आप चेंज कर सकते हैं, चेंज कर लें। यहाँ से आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करें कोई भी है, और वो नंबर डाल दें, यहाँ पे अपना सेल फोन नंबर डाल दें जो भी है जी। यहाँ पे अपना अपने रीज़न लिखना है कि आप यूएई में क्यों जाना चाह रहे हैं, आपने रीज़न देना है वर्क, ठीक है। ये अराइवल इंफॉर्मेशन हैं, तो ये आप यहाँ पे कैलेंडर को सिलेक्ट करें तो बेहतर है कि आप जून में ही जाना चाह रहे हैं। कोई भी डेट सेलेक्ट कर दें और यहाँ पे टाइम डाल दें। मैं मैंने इसको रात 10 का टाइम सेलेक्ट किया है। आप किस कंट्री से आएंगे ये आप यहाँ पे, कोई भी कंट्री सेलेक्ट कर लें, या जो आपको अगर बेहतर है तो पाकिस्तान ही सेलेक्ट करें। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो कौन से एयरपोर्ट पे आपने जाना है, दुबई, अबू धाबी, शारजा, वो भी सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे एयरलाइन, आप कौन सी एयरलाइन का टिकट, क्योंकि पाकिस्तान के लिए अभी तक सिर्फ एमिरेट्स एयरवेज़ ओपन हुई है, तो आपने एमिरेट्स एयरवेज़ ही करना है। लेकिन ये यहाँ पे इसके साथ स्टार नहीं है, तो ये प्रायोरिटी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आप इसको करें ही करें। आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, तो अगर बाद में कोई और फ्लाइट्स ओपन हो जाती हैं तो आप वो भी ताकि टिकट परचेज़ कर सकें, तो इसको खाली छोड़ें ये ज़्यादा बेहतर है, और बुकिंग रेफरेंस को भी खाली छोड़ दें। इसको आपने यहाँ पे नेक्स्ट करना है। देखिए मैं नंबर गलत डाला हुआ था, इसलिए ये अभी ये नंबर कुछ ठीक हुआ। इसको नेक्स्ट करते हैं। तो ये कह रहा है कि 25% आपने फॉर्म फिल कर लिया है, यहाँ पे आपने कॉपी देनी है, पासपोर्ट कॉपी ये अटैच कर रहे हैं, और यहाँ पे एप्लीकेशन रिव्यू वहाँ पे आपने दोबारा चेक कर लेना है। और इसमें आगे एक आपसे पूछता है कि रीज़न कि आप पाकिस्तान क्यों आए थे या अपने कंट्री क्यों गए हुए थे, वो रीज़न आपने देना है, और इसको इसी तरह सबमिट करना है। और ईमेल एड्रेस आपका गलत नहीं होना चाहिए, कभी भी कोशिश करें कि उसको गलत ना होने दें। और इस तरह आपने ये फॉर्म फिल करने हैं, और जब आपको कंफर्मेशन आए तो आप अपनी पसंद की जो भी एयरलाइन
पाकिस्तान में तो सिर्फ अभी तक एमिरेट्स एयरवेज है, तो जो एयरलाइन का आप टिकट लेना चाहें वो लें और आप वापस यूएई इंटर हो सकते हैं। जिस एयरपोर्ट को आप पहले इसमें फिल करेंगे उसी एयरपोर्ट की टिकट आपने परचेज़ करनी है, तो दुबई ही करें क्योंकि दुबई एमिरेट्स एयरवेज दुबई ही जाएगी।